हेलो फ्रेंड्स, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। IBPS बैंक में बहुत सारे 5,830 पदों पर बम्पर वैकेंसीज जारी की गई। इसके पहले ग्रामीण बैंक में वैकेंसीज जारी की गई थी IBPS द्वारा, उसी को बढ़ा करके कुछ और बैंक्स में भी वैकेंसीज जारी किया गया है। देखते हैं डिटेल्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सेलेक्शन IBPS द्वारा 5,500 से ऊपर बैंक के वैकेंसीज जारी किए गए हैं। चलिए इस IBPS की जॉब में कौन कौन से बैंक्स में जॉब आपको, सेंट्रल बैंक कौन कौन से केंद्रीय बैंक में आपको जॉब मिल सकती है। तो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी बैंक्स में IBPS में एग्ज़ाम्स, भर्ती के लिए एग्ज़ाम्स के लिए भर्ती निकाला गया है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। IBPS एक बैंकिंग सिलेक्शन का एक कमीशन होता है जिसके माध्यम से बैंक में कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/7/2021 से स्टार्ट है, जो 1/8/2021 तक चलेगी। एप्लीकेशन पेमेंट की अगर हम बात करें तो भी आप 1/8/2021 तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगस्त में कॉल लेटर जारी किया जाएगा, अर्थात 1/8/2021 तक फॉर्म भरने की डेट है। यदि आप बैंक में जॉब करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैंने बात की, तो कैंडिडेट्स इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर CRP क्लर्क एक्साइज शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन। IBPS में जो क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एज लिमिट की अगर हम छूट की बात करें तो SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल की आयु सीमा में छूट प्रावधान रखा गया। एक्स सर्विस मैन के लिए भी छूट का प्रावधान रखा गया है। बम्पर वैकेंसीज सभी ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए निकली है। IBPS के माध्यम से बैंक में जॉब करना, बैंक में जॉब करने का सपना हर युवक युवतियों का सपना होता है। ये आपका सपना साकार होने वाला है। वर्तमान में कोरोना काल की वजह से केवल वित्तीय क्षेत्रों में ही जॉब की भरपूर संभावनाएं हैं, जिसके अंतर्गत आपके बैंक्स हैं जहाँ पर जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं बैंक में, प्री मेंस, उसके बाद में आपका इन फाइनल लिस्ट बनता है। तो प्री में आपका मैक्सिमम 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग आएंगे। पेपर टू, दैट मीन्स मेन्स एग्ज़ाम, मेन एग्जामिनेशन, तो मेन एग्जामिनेशन के लिए जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 190 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा। इस प्रकार से प्री और मेन्स का एग्ज़ाम होता है बैंक में IBPS में, जिसके माध्यम से आपका बैंक में सलेक्शन होता है। यदि आप बैंक में जॉब करने के इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं।
किन किन बैंक्स में, किन किन राज्यों में कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। यदि आप पूरी डिटेल्स चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को अंत तक देखें, क्योंकि मैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इस प्रकार से अलग अलग आरक्षण श्रेणी में पदों की संख्या भी निकाली गई है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में हर राज्य में बैंक की अलग अलग पोस्ट है। आप प्रत्येक राज्य की पोस्ट को मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सभी बैंकों में वैकेंसीज जारी किया गया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप योग्य हैं, आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए इतना अच्छा सुनहरा अवसर कहना चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा अवसर कोरोना काल में मिल पाना इट्स नॉट पॉसिबल जैसा लगता है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए, वैकेंसीज भरपूर है, अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर है। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में भी दिया गया है। देखिए, यदि आप अंडमान निकोबार के कैंडिडेट हैं तो पोर्ट ब्लेयर में आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेगा। अलग अलग राज्यों के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी अलग अलग दिया गया है। यदि मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर भिलाई नगर, बिलासपुर और रायपुर, ये तीन जगह है जहाँ प्री का एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, और मेंस जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम सेंटर वन एंड ओनली रायपुर में रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी राज्यों के लिए अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। मेंस के लिए अलग एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है और प्री के लिए अलग एग्ज़ाम सेंटर IBPS द्वारा रखा गया है। दोस्तों, ऐसे ही सेंट्रल जॉब्स, स्टेट लेवल के जितनी भी जॉब्स हैं, उनकी जानकारी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल सिटी जॉब एंड एजुकेशन के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप हर छोटी से छोटी, चाहे वह गांव से लेकर सेंट्रल लेवल तक की जॉब हो, ग्राम सचिव से लेकर कलेक्टर तक की नौकरियों की जानकारी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई नई जॉब्स की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए विदा दीजिए, थैंक यू।